Welcome to the Art of Learning's Academy. I'm your math teacher. Today we are learning sets. Definition of sets. A set is a collection of well-defined similar objects or elements. Set किसे कहते हैं? Set उसे कहा जाता है कि कोई भी similar object या element को वेल डिफाइंड तरीके से एक जगह पर उनको जमा करना, उनको कलेक्ट करना, उनका जो कलेक्शन है वो सेट कहलाता है. सिमिलर ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का मतलब है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स, सिमिलर नंबर्स मींस 1, 2, 3, 4 नंबर्स है ना, तो मतलब नंबर्स का सेट हो गया, उसको एक जगह पर हमने कलेक्ट कर दिया. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी, उनको हमने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया. ठीक है, तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1, 2, 3 ए बी सी डी इसका सेट. नो, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स हैं. राइट, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सेट में हमेशा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए. नंबर हैं तो नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स हैं, मिक्स नहीं हो सकते. राइट, टाइप्स ऑफ सेट्स. Okay, subset. A subset can be defined as a set whose members are part of another set. Subset किसे कहते हैं? Subset उसे कहा जाता है कि दो ऐसे set, ठीक है, जिसमें से एक set के जो members हैं वो दूसरे set में पाए जाएं, दूसरे set के अंदर मौजूद हों. इस तरह के सेट को सबसेट कहा जाता है. यानी कि दो सेट्स हैं जिसमें से एक सेट के जो मेंबर्स हैं, एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं, वो पूरे के पूरे दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों. ठीक है, इस तरह के सेट को कहा जाता है सबसेट. फॉर एग्जांपल, यस, ए इज इक्वल टू, ये एग्जांपल देखिएगा, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बी कॉमा सी कर्ली ब्रैकेट. राइट, अब देखिएगा, अब ए के जो सेट हैं ए बी सी, ठीक है, और बी के जो सेट हैं बी और सी, यानी कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में मौजूद हैं. ठीक है, बी सी सेट ए में मौजूद है. राइट, लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं हैं. ठीक है, ऊपर डेफिनेशन में क्या बोला गया? ऊपर डेफिनेशन में ये कहा गया कि ऐसा सेट जिसके तमाम मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हों, इस तरह के सेट को कहा जाता है सबसेट. ठीक है, अब बी के, ये देखिए, बी के जो एलिमेंट्स हैं बी और सी, ये सेट ए में मौजूद है, इसीलिए सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि बी जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि बी के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये जो है सेट ए में मौजूद है. यस, अब टाइप्स ऑफ सबसेट्स. सबसेट्स की मज़ीद टाइप्स जो हैं वो अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. ऊपर आपको थ्री सेट्स गिवन है. राइट, ए सेट गिवन है ए बी सी डी, बी सेट गिवन है ए बी सी, एंड सी सेट गिवन है ए बी सी डी. ठीक है, ऊपर आपको सेट्स गिवन है. अब नीचे आ जाइए, टाइप्स ऑफ सबसेट्स. इम्प्रॉपर सबसेट. The subset which is equal to the parent set is called the improper subset. Improper subset किसे कहा जाता है? Improper subset उसे कहा जाता है कि वो set जो उसके अंदर मौजूद जो elements हैं, जो उसके members हैं, वो equal हो parent set के, उसे कहा जाता है improper subset. राइट, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में लिखा है ए इज़ इक्वल टू सी,
ठीक है। अब ऊपर आप देखिएगा ए के मेंबर्स क्या क्या हैं, ए बी सी डी, राइट। और सी के मेंबर्स क्या हैं, ए बी सी डी, राइट। यानी के दोनों सेट्स के मेंबर इक्वल हैं, ठीक है। इस तरह के सेट को कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें क्या है, पेरेंट सेट ए इज़ अ पेरेंट सेट, राइट। पेरेंट सेट, ठीक है, इक्वल है दूसरे सेट के, तो इस तरह के सेट को कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। और इसलिए इक्वल है तो ए इक्वल का साइन है और सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए प्रॉपर सबसेट। ऑल सबसेट्स अदर देन द इम्प्रॉपर सबसेट आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या था, इक्वल थे पेरेंट सेट से, जो दूसरा सेट के मेंबर या एलिमेंट्स इक्वल हैं उन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, उसे कहा जाता है जो पेरेंट सेट और जो दूसरा सेट होगा उसके एलिमेंट्स बराबर ना हो, इक्वल ना हो, ठीक है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखिएगा, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो अब देखिए ए का जो सेट है इसमें ए बी सी डी मौजूद है, सी का जो सेट है इसमें भी ए बी सी डी मौजूद है, लेकिन बी आप देखिए इसमें ए बी सी है, डी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, डी नहीं है, राइट। तो बी जो है वो प्रॉपर सबसेट हुआ ए का और सी का, राइट। यानी कि प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट उसे कहा जाता है कि ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद ना हो, उससे प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, राइट। पावर सेट, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, पावर सेट उसे कहा जाता है ऐसा सेट, आपको जो सेट गिवन है, ठीक है, उसके उसके अंदर मौजूद, उसके अंदर मौजूद जो सबसेट्स हैं, इस तरह के सेट्स को कहा जाता है पावर सेट। जैसे देखिए हमें कौन सा सेट गिवन है, अब आप एग्जांपल में देखिएगा ये, ठीक है, इस वाले सेट की बात कर रहे हैं, ये सेट हमें गिवन है, एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हमें गिवन है। पावर सेट को लिखते किस तरीके से हैं, पावर सेट का पी, ठीक है, पी लिखा कैपिटल, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ये पी लिखा, ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एस लिखा हुआ है। एस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो सेट हमें गिवन है ये वाला, ये जो सेट हमें गिवन है इसमें ये, इसको डिनोट किया गया है एस से, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने पी के बाद ब्रैकेट में एस लिखा है। अगर यहाँ एस की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा होगा तो हमें पी के बाद यहाँ वही, यहाँ पी के बाद हम वही अल्फ़ाबेट लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ जेड लिखा होता तो हम यहाँ पी के बाद ब्रैकेट में जेड ही लिखते, ठीक है। तो हमें गिवन है 1, 2, ठीक है। अब इसको हमने पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले पावर सेट जैसे लिखते हैं, हमें इस तरीके से लिखना है, पी ब्रैकेट एस से डिनोट किया गया तो एस लिख के ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद पावर सेट जब भी हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले स्टार्ट में, सबसे पहले स्टार्ट में हमें एम्प्टी सेट बनाना है। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एम्प्टी सेट बनाना है ये वाला, ठीक है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है, वो खाली हो। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, इस तरह के सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है, और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम पावर सेट बना रहे होते हैं गिवन सेट का, ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले जो है हमने एम्प्टी सेट बनाना है। एम्प्टी सेट बनाने के बाद हमने
हर मेंबर का सबसेट बनाना है। तो वन है तो हमने वन लिखा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ठीक है, सबसेट्स है ना ये। तो फिर उसके बाद टू, टू का बनाया हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, पहले वन वन सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, फिर उसके बाद टू टू एलिमेंट्स लेंगे, वन और टू, फिर एक साथ टू टू एलिमेंट्स, टू टू एलिमेंट्स के बनाएंगे। अगर यहाँ थ्री होता, टू टू एलिमेंट्स बनाने के बाद फिर हम थ्री थ्री एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाते, ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये सुपर सेट, अ पेरेंट सेट फ्रॉम विच सबसेट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ सुपर सेट। सुपर सेट किसे कहते हैं? सुपर सेट उसे कहा जाता है कि पेरेंट सेट से जो है, पेरेंट सेट से जो दूसरा सेट बन रहा होता है उसे कहा जाता है सुपर सेट। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि देखें ए जो पेरेंट सेट होता है ना, बस इतना जहन में रखिएगा, जो पेरेंट सेट होता है उसे सुपर सेट कहा जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिएगा ए, ए जो है वो पेरेंट सेट है, ठीक है, ए बी सी डी, और बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, इन दोनों में पेरेंट सेट कौन सा है? ए बी सी डी। इससे हाँ, इससे जो है दूसरा सेट फॉर्म हुआ है बी, ठीक है, ए बी सी डी दूसरा सेट फॉर्म हुआ है, बी जो सेट फॉर्म हुआ है उसके मेंबर है ए बी सी, यानी कि राइट, पेरेंट सेट से ये दूसरा सेट बना है, इस तरह के सेट को कहा जाता है सुपर सेट। तो ए जो है वो सुपर सेट है बी का, क्योंकि वो पेरेंट सेट है ना, इस वजह से जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। रेनफोर्समेंट 1.1, इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, यूज x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट a b c d, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू b कॉमा a कॉमा d कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी कि हमें दो सेट गिवन है, एक x और एक z। करना क्या है हमें, राइट डाउन द पावर सेट, हमें पावर सेट बनाना है ऑफ x एंड z। x एंड z के जो सेट्स हमें गिवन है उसके हमें पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट कैसे बनता है, क्या होता है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिटेल में, कि पावर सेट में सबसे पहले जो है हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें सबसे पहले जो है इसमें एम्प्टी सेट होता है, नल सेट, ठीक है, ये देखिएगा, सबसे पहले एम्प्टी सेट बनाया जाता है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसे एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वो बनाया, फिर उसके बाद एक्स में जो है देखिएगा फोर एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए बी सी डी, ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए के सबसेट बनाने हैं, ठीक है, एक 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 एक, फिर हमने जो है दो दो करके सबसेट्स बनाने हैं, फिर तीन तीन करके सबसेट्स बनाने हैं, फिर हमने चार चार करके सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे ये आप देखिए, ठीक है, सबसे पहले आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट के बाद ए, ठीक है, ए को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया, फिर उसके बाद है बी, बी को क्लोज करके लिख दिया, सी, सी को क्लोज करके लिख दिया, डी इस तरीके से डी को क्लोज करके लिख दिया, ठीक है, एक एक एलिमेंट का हमने सबसेट बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कंप्लीट हो गया, अब दो दो के सबसेट बनाएंगे, कैसे, ये देखिए, पहले ए बी, ये रहा ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद है ए सी, ए सी बनाया, फिर उसके बाद ए डी, ये रहा ए डी का सबसेट बन गया, ठीक है, ए के सारे कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम बी से बनाएंगे, ठीक है, बी सी, ये रहा बी सी, ठीक है, बी डी, ये रहा बी डी, ठीक है, इस तरह से बी के भी सारे कंप्लीट हो गए। अब हम बनाएंगे सी से, सी डी, ये रहा सी डी, सी डी हमने बना लिया, इस तरीके से दो दो करके भी हमारे सारे सबसेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम बनाएंगे तीन तीन करके, ए बी सी, ये रहा ए बी सी, थ्री थ्री के सेट्स बनाने हैं, अब हमें थ्री थ्री एलिमेंट्स लेके, ए बी सी हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ए सी डी, ठीक है,
ए सी डी, ये हमने बनाया, ठीक है। ए के सारे कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम बनाएंगे बी के, सही है। बी सी डी, सबसे पहले बी सी डी बना दिया, ठीक है। बी के साथ ये ए बी और ये डी बी, ठीक है। बी ए डी, लेकिन जो है हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि सेट्स में सीक्वेंस से लिखें नंबर्स या एलिमेंट जो भी हैं वो सीक्वेंस से लिखना है, तो इसलिए ए बी डी लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी डी ये हमने ये बनाया, राइट। थ्री थ्री के सारे कंप्लीट हो गए, सही है। सी सी के अगर हम बनाएंगे तो डी के बाद कोई और एलिमेंट नहीं है ना, तो हमें तो तीन तीन के बनाने, तो इस तरह से तीन के भी सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बनाएंगे चार चार के, चार चार के बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये चारों ले लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, सही है। अब इसके बाद मज़ीद आगे नहीं बन सकते क्योंकि और आगे कोई एलिमेंट नहीं है। इस तरह से एक्स के पावर सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब आ जाइए जेड की बारी, किसकी बारी, जेड की बारी। जेड में यहाँ पर हमें जो है थ्री एलिमेंट्स गिवन है, बी ए डी, ठीक है। अब हमें इसके पावर सेट बनाने हैं, तो सबसे पहले वही एम्प्टी सेट आ गया यहाँ पे, जिसे नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे, फिर हम दो दो का सबसेट बनाएंगे, फिर लास्ट में थ्री का बनेगा, ठीक है। तो एक एक का कैसे, सबसे पहले बी का, ठीक है, ये रहा बी, ठीक है। फिर ए, ये रहा ए, ठीक है। फिर उसके बाद डी का बनाया, तो ये रहा डी, ठीक है, क्लियर। एक एक के हमने जितने भी जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सबसे पहले एक 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 करके हमने उसके सबसेट बना लिए, ठीक है। अब दो दो की बारी है, सही है। सबसे पहले ये ए बी, ये रहा ए बी, ठीक है। और बी डी, सही है, ये रहा बी डी, सही है। इस तरह से दो दो के सेट बी के कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ए की बारी, ए डी, ये रहा ए डी, ठीक है। आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इस तरह से दो दो के भी सबसेट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब करेंगे हम तीन तीन के सबसेट बनाएंगे। तीन के लिए सबसे पहले ये तीनों एलिमेंट्स हम ले लेंगे, ये रहे ए बी डी, ठीक है। सीक्वेंस से लिखना है ना सबसेट के, जो हम पावर सेट बना रहे हैं सॉल्यूशन, उसके अंदर जब हम लिखते हैं तो हमें सीक्वेंस से लिखना होता है, इसलिए ए बी डी लिखा हमने, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये हमने एलिमेंट्स इसके अंदर ले लिए, ठीक है। और ये मज़ीद जो है डिवाइड नहीं हो सकते, लिहाजा यहाँ पर फिर हमने ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये वाला, राइट डाउन सेट जेड, वेट, यस, राइट डाउन सेट जेड इफ द पावर सेट ऑफ जेड इज गिवन एज, यानी कि हमें पावर सेट Z गिवन है, हमें पावर सेट ऑफ Z गिवन है, सही है। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें जो है Z का सेट बनाना है, ठीक है। ये देखिए पावर सेट डिनोटेड बाय P, P है ब्रैकेट के अंदर, हमें Z लिखा हुआ है ना, Z से डिनोट किया गया, तो इधर Z आ गया इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ही हमें देखिए कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये एम्प्टी सेट गिवन है, और इस तरीके से ये सारे हमें सबसेट्स मौजूद हैं, सही। अब हमें क्या करना है, हमें सेट लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के हमने हेडिंग डाली, फिर उसके बाद जेड, जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। जेड इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, राइट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पहले उनको एक एक करके लिखते हैं, हमने मैंने बताया था, फिर उसके बाद दो 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 करके लिखते हैं। तो देखिए एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट आ गया, फिर उसके बाद सिर्फ हम ये सिंगल ही देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, सिंगल एलिमेंट्स क्या हैं, 14, 15, 16। तो इसका मतलब ये है कि जो Z का सेट है वो 14, 15, 16 ही होगा, ठीक है। फिर इसको मज़ीद जो है फिर दो में तीन में डिवाइड किया गया, तो पावर सेट गिवन है, उसको हमने जब सेट Z बनाया, तो आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले बस ये सिंगल वाले ही देख कर आप यहाँ लिख देंगे, तो आपका आंसर हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस वन. पावर सेट ऑफ ए एंड बी इज गिवन एज, अब क्या है, पावर सेट ऑफ ए एंड बी गिवन है, ठीक है, और हमें जो है सेट ए और सेट बी हमें बनाना है, ठीक है. जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या सेम ऐसे ही है, ठीक है. पावर सेट ऑफ ए क्या है, पावर पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी सेट कॉमा सैटरडे, ठीक है. अब हमें क्या करना है, राइट डाउन, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन सेट ए एंड सेट बी, ठीक है. सेट ए में मैंने आपसे कहा कि जो है एम्प्टी सेट के बाद जितने भी एक एक सिंगल एलिमेंट्स होते हैं बस वही उसी का सेट बनता है. तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है सैटरडे, तो ए क्या होगा, ए जो है सिर्फ सिंगल सैटरडे होगा. बिल्कुल इसी तरह ये बी वाला, अब आप देखिए पावर सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट, ठीक है, कॉमा संडे. एक ही जो है यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है संडे, ठीक है. तो इसका बी का ये देखिए, बी का सेट क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट है तो संडे. इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल. यस, रेनफोर्समेंट 1.2. ओके, क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, वाई इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड जेड इज इक्वल टू 3, 5, 7. ये हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन है एक्स की, वाई की और जेड की, ठीक है. अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है. एक्स यूनियन वाई, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं यूनियन, ठीक है. एक्स यूनियन वाई, ठीक है, यू नहीं बोलेंगे इसे, यूनियन ही बोलेंगे, ठीक है, और यूनियन जेड, क्लियर. अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक. सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी यहाँ, ठीक है. अब हमने सबसे पहले जो है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है, दिस वन, ठीक है, एक्स यूनियन वाई. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्स यूनियन वाई लिखा इज इक्वल टू एक्स की जगह, ये एक्स की जगह, ये जो है एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद ये यूनियन का जो साइन है, ये साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. फिर वाई की वैल्यू क्वेश्चन से देख के हमने वाई की वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है. एक्स यूनियन वाई क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ गया, यूनियन का साइन यहाँ पर आ गया, ठीक है. और वाई की जगह वाई की वैल्यू हमने ऊपर से देख कर लिख ली, ठीक है. अच्छा, यूनियन में होता क्या है, इसमें यूनियन में ये होता है कि हमने दोनों सेट में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आपस में मिला कर आप लिख दीजिए, ठीक है. यूनियन में हमें क्या करना है, दोनों सेट में मौजूद एलिमेंट्स को आपस में मिलाकर लिख दीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो सीक्वेंस में लिखे हुए हों, ठीक है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में लिखे हुए हों, दोनों एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में लिखे हुए हों, ठीक है. ये नहीं कि 1, 5, 2, 6 इस तरह से नहीं लिखे हुए हों, ठीक है. तो अब देखिए, अब आंसर में क्या लिखा हमने, 1, 2, 3, 4, 5 हमने पहले इस सेट के एलिमेंट लिख दिए. आप इधर आ जाइए, इस सेट में 4, 5, 6 4, 5 तो हम पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सिर्फ 6 रह गया था, तो फिर 6 हमने दोबारा यहाँ पर लिख दिया. कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा. तो इस तरीके से यूनियन में क्या किया, दोनों सेट के एलिमेंट को हमने मिलाकर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे सही. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो हमसे ये बोल रहा है ना, तो हमने ये तो सॉल्व कर लिया, अब इसके आगे यूनियन जेड है ना, अब हमें ये भी मालूम करना है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दिया, एक्स यूनियन वाई हमने ऊपर मालूम कर लिया, ये एक्स यूनियन वाई हमने सॉल्व कर किया ना, तो हमारे पास ये आंसर आया, तो एक्स यूनियन वाई अब ये हो गया, ठीक है. तो एक्स यूनियन वाई की जगह हमने जो है ये आंसर लिख दिया, ठीक है. फिर उसके बाद ये यूनियन का साइन जो है ये यहाँ आ गया, ठीक है. फिर उसके बाद ये जो जेड है, फिर जेड
की जो वैल्यू है ये हमने क्वेश्चन से यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अगेन यूनियन है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ही यही होता है कि दोनों सेट में मौजूद जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम आपस में सीक्वेंस के साथ मिलाकर लिख लें। तो अब इसी तरीके से जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो सारे हमने यहाँ लिख दिए 4, 5, 6। अब इधर आ जाइए 3, 5, 7। 3 भी हम लिख चुके हैं, 5 भी हम लिख चुके हैं, 7 हमने नहीं लिखा, तो हमने यहाँ 7 भी लिख दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटरसेक्शन करना है हमें, ठीक है। पहले हमने यूनियन किया था, अब इसमें जो है इंटरसेक्शन करना है, राइट। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हमें जो है दोनों सेट जो हमें गिवन होते हैं उसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे हमने वो लिखने हैं। यूनियन में हमने तो सारे लिखने थे ना, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों सेट्स में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स होंगे सिर्फ हमने वो लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन चेक कीजिए। यस, सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेक्शन जेड लिखा, पहले ब्रैकेट में। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रैकेट में मौजूद जो भी ब्रैकेट में जो भी मौजूद हो सबसे पहले हमने उसे सॉल्व करना है, उसके बाद हमने जो बाहर की चीज़ है हमने उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट का लिया y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, ठीक है। तो y की जगह हमने y की वैल्यू लिखी यहाँ, फिर इंटरसेक्शन का साइन दिया, फिर z की जगह हमने z की वैल्यू लिखी, ठीक है। और मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में वो करते हैं कि दोनों सेट्स में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स हमने वो लिखने। अब देखिए इसमें 4 मौजूद है, 4 इसमें नहीं है दूसरे सेट में, 5 इसमें भी 5 मौजूद है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर उसके बाद देखा 6 इस वाले सेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमने नहीं लिखा, सिर्फ एक एलिमेंट सेम था तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे यही ये पूछा गया x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए x x की जगह हमने क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख ली 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद ये इंटरसेक्शन का जो साइन है ये हमने यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर आया y इंटरसेक्शन z का वो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर। x की वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिखी, ये जो गिवन इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और ब्रैकेट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, जो उसका आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को देखना है, इन दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू सेम है हमने वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में देखिएगा सिर्फ फाइव सेम है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर 5 लिखा, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इसमें कहीं कोई कॉमा नहीं दिया गया, ठीक है। पहले मैंने हमेशा यही बात की गई कि जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है इस क्वेश्चन में, सॉरी, तो पहले मैंने यही बोला कि जो भी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने बाहर के नंबर्स को, बाहर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जो है हमने सॉल्व करना है। अब ई में देखिए, ई में कोई ब्रैकेट ही नहीं है, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, और उसके बाद हमने जो है पूरा का एज इट इज़ क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया, फिर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख दी, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया ये रहा, फिर y की जगह हमने ये y की वैल्यू लिख दी, ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर ये z की जगह हमने अगेन z की वैल्यू लिख दी। ये सब कहाँ से ली, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब सिंपली इन तीनों सेट को हम देखेंगे, ठीक है। इन तीनों सेट में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम है, तो इन तीनों सेट में सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है, 5 ही ऐसा एलिमेंट है जो सेम है, लिहाजा हमने वो यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में, और यही हमारा आंसर हो गया, इट्स सॉल्व, ओके। नेक्स्ट
यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट पी इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है, क्यू इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है एंड आर इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है प्रूव. ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा. प्रूफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर, ये वाला क्वेश्चन, फॉर सेट पी क्यू एंड आर. ठीक है, प्रूफ करना है. ठीक है, दो प्रूफ ये करना है कि ब्रैकेट में पी यूनियन क्यू यू आर इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन. ठीक है, फिर अगेन एक और लिखा है पी यूनियन ब्रैकेट में क्यू यूनियन आर. अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं. सही है, तो सबसे पहले हमें जो है इसको सॉल्व करना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है, फिर एट द लास्ट हमने इन दोनों के आंसर्स को मिलाकर लिखना है, हमें मैच करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं. राइट, ओके. सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हमने राइट डाउन किया. और फिर मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ ब्रैकेट में है सबसे पहले हमने वो सॉल्व करनी है. तो अब देखिए, पी की वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिख ली, फिर उसके बाद यूनियन का साइन आ गया, फिर उसके बाद क्यू की वैल्यू हमने क्वेश्चन से लिख ली. ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को मिलाकर सीक्वेंस में लिख लें, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों एलिमेंट्स सेट्स के जो हैं वो हमने यहाँ पर मिलाकर लिख लिए. ठीक है, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन तो ये है ना, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा. ठीक है, ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली सारी, फिर उसके बाद जो है ये यूनियन का जो साइन है ये हमने यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद आर की वैल्यू हमने क्वेश्चन से यहाँ लिख ली. ठीक है, यूनियन, तो हमें क्या करना है, यूनियन दोनों सेट्स में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन सबको मिलाकर यहाँ पर लिख देना है. तो हमने ये सब को मिलाकर लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, यानी कि ये हम सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, अब बारी है इस वाले क्वेश्चन की. अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन लिखा. ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट लिखा. ठीक है, क्यू की वैल्यू लिखी क्वेश्चन में से, फिर इसके बाद वो यूनियन का साइन, फिर आर की वैल्यू लिखी क्वेश्चन में से, फिर इन दोनों का यूनियन किया, दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट्स में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने मिलाकर जो है यहाँ पर लिख लिया है, सीक्वेंस में लिखना है. ठीक है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया. अब उसके बाद पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, पी की वैल्यू लिखी ये, फिर यूनियन का साइन यहाँ पर आया, फिर क्यू यूनियन आर, ये हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो जो हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी. ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन किया गया. ठीक है, दोनों का यूनियन किया यानी कि दोनों के एलिमेंट्स हमने मिलाकर यहाँ पर लिख दिए, तो ये हमारा इसका आंसर भी आ चुका. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा, लिखने के बाद इसका जो आंसर आया, किसका, फर्स्ट वाले का जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया, इक्वल की जगह हमने इक्वल का साइन लगाया, फिर इसका जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लगा दिया. अब आप टैली कीजिए, दोनों के आंसर सेम है, बिल्कुल दोनों सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो इट्स मीन ये प्रूव हो चुका कि दोनों इक्वल हैं. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट पी क्यू एंड आर. हमने जैसे यूनियन किया, अभी इस तरह से इंटरसेक्शन करना है हमें अभी. ठीक है, इंटरसेक्शन, ये साइन जो होता है ना, ये वाला साइन. ठीक है, ये इंटरसेक्शन होता है और ये यूनियन होता है. ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में मैंने अभी भी बताया था आपको, दोनों सेट्स में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स होंगे हमने सिर्फ वो लिखना है. सेम वही प्रोसेस है, लेकिन ये इंटरसेक्शन है. सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई. ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमने ये यहाँ लिखा, फिर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, इसलिए हमने पी इंटरसेक्शन क्यू लिखा, फिर पी की वैल्यू यहाँ पर लिखी, इंटरसेक्शन का साइन, क्यू की वैल्यू यहाँ पर लिखी, अब इन दोनों सेट्स में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए हमने. ठीक है, फिर उसके बाद हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर अगेन लिखा, पी इंटरसेक्शन क्यू, ये हमने सॉल्व
कर लिया यहाँ पर। इसका जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन आया। और आर, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वो आर की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों सेट को, इसको और इसको देखेंगे, इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है, मीन्स इन दोनों सेट में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखना है। तो सिर्फ 20 वो वाहिद एलिमेंट है जो कि सेम है, तो लिहाजा सिर्फ हमने वही लिखा, तो ये हमारा आंसर आ गया एक का, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने सब अब क्या किया, हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, ठीक है। फिर वही बात, ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन का साइन, आर की वैल्यू लिखी, इन दोनों सेट में मौजूद जो सेम एलिमेंट्स हैं वो है 20 और 40, वो हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है सेम एलिमेंट्स। अब हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, पी की वैल्यू हमने क्वेश्चन में से लिखी, राइट, इंटरसेक्शन का साइन दिया, और ब्रैकेट को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, जो सॉल्व किया, जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया गया, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन किया गया, ठीक है। तो सिर्फ 20 वो वाहिद एलिमेंट था जो कि सेम था, तो हमने बस वो लिख दिया, ये हमारा आंसर कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ की हमने यहाँ पर हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद इसका आंसर यहाँ लिखा, इसका आंसर हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब आप चेक कीजिए, दोनों के आंसर सेम है, इक्वल है, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट, यस, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, 6 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट पिज्ज़ा, एंड 3 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट बोथ पोटैटो चिप्स एंड पिज्ज़ा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू ईट। यस, क्वेश्चन है हमारे पास, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास में जिनको पोटैटो चिप्स खाना पसंद है, ठीक है, जिसमें से 6 ऐसे हैं, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पिज्ज़ा खाना बहुत पसंद है, और जिसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कौन, दोनों मतलब पोटैटो चिप्स एंड पिज्ज़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू ईट ए पोटैटो चिप्स बट नॉट पिज्ज़ा, ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और बी है हमारे पास, पिज्ज़ा बट नॉट पोटैटो चिप्स, ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है, आंसर राइट। सबसे पहले हम ए सॉल्व करेंगे, ये पोटैटो चिप्स बट नॉट पिज्ज़ा, ठीक है। इट मींस कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पोटैटो चिप्स जो हैं वो लाइक करते हैं और पिज्ज़ा लाइक नहीं करते, हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, डेटा में देखिएगा, 8 स्टूडेंट्स ईट पोटैटो चिप्स, 6 स्टूडेंट्स ईट पिज्ज़ा, 3 स्टूडेंट्स ईट बोथ, बोथ मीन्स दोनों, ठीक है, जो चिप्स भी लाइक करते हैं और पिज्ज़ा भी लाइक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये, पोटैटो चिप्स जो लाइक करते हैं हमें वो बताना है, ठीक है। तो पोटैटो चिप्स 8 स्टूडेंट्स, कितने, 8, यहाँ पर हमने 8 लिखा, प्लस का साइन लगाया, ठीक है। और ये जो 3 स्टूडेंट्स ईट बोथ, यानी कि बोथ, यानी कि ये 3 स्टूडेंट्स जो हैं ये पोटैटो चिप्स भी पसंद करते हैं, तो लिहाजा 8 में हमने 3 प्लस किया, ठीक है, इज इक्वल टू, 8 में 3 प्लस करें कितने आते हैं, 11, ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, यानी कि 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पोटैटो चिप्स पसंद थी, पिज्ज़ा पसंद नहीं था, उन्हें पोटैटो चिप्स पसंद थी, ठीक है। अब हम ये बी सॉल्व करेंगे, बी क्या है, पिज्ज़ा बट नॉट पोटैटो चिप्स, ऐसे स्टूडेंट जिनको पिज्ज़ा पसंद है, पोटैटो चिप्स नहीं पसंद, ठीक है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पिज्ज़ा पसंद है, ठीक है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है बी क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब जो डेटा हमने रेडी किया है उसमें से ही देख के लिखेंगे कि 6 स्टूडेंट्स, ये देखिए, ईट पिज्ज़ा, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, प्लस का साइन लगाया, और ये 3 स्टूडेंट्स ईट बोथ, बोथ मीन्स दोनों, यानी कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पिज्ज़ा पसंद था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 प्लस 3, तो 6 में 3 प्लस कीजिए कितना होता है, 9, तो इट्स 9 आंसर, ठीक है। तो यानी कि 11 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पोटैटो चिप्स पसंद थी और 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पिज्ज़ा पसंद था, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।